हेलो एवरीवन, दिस इज निधि हियर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप स्टूडियो में लाइट का सेटअप कर सकते हैं एक लिमिटेड बजट रेंज में। अगर आप वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप टीचर हैं, क्लासेस लेते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, तो उस केस में आप समझ सकते हैं प्रॉपर लाइटिंग का होना कितना ज़रूरी है। और वही चीज़ आपके ओवरऑल वीडियो को इन्हांस करेगी, आपका जो क्लास का एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करेगी। तो यहाँ पर हम अम्ब्रेला लाइट का सेटअप देखेंगे आज, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सारा सेटअप आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अम्ब्रेला लाइट के साथ, जिसे हम बोलते हैं अम्ब्रेला डिफ्यूज़र। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों का पेयर लिया है, दो सेट लिए हैं। आप इनमें से आप चाहें तो एक सेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर यह है हमारा अम्ब्रेला डिफ्यूज़र, इस तरह की पैकेजिंग में ये आपको मिलेगा। एंड दिस इज़ योर अम्ब्रेला लाइट, ओके। और इन दोनों का जो प्राइस है वो मुझे पड़ा है 433 रुपीज़। और ये प्राइस भी वेरिएबल है, हो सकता कम या ज़्यादा हो जाए, बट रफली दिस इज़ गोइंग टू बी द प्राइस। तो ये हमारे हो गए दो अम्ब्रेला डिफ्यूज़र्स, जिन्हें हम दोनों साइड लगाएंगे। अगर आप एक यूज़ कर रहे हैं तो आप जो आपका कैमरा है उसके जस्ट पीछे इसको प्लेस करेंगे, लेकिन अगर आप दो यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा लाइटिंग चाहिए है जैसा कि वीडियोस में हमें रिक्वायर्ड होता है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम बैठे हैं विच इज़ सब्जेक्ट, और दोनों साइड इन अम्ब्रेलास को प्लेस करेंगे। दूसरी चीज़, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे अम्ब्रेलास हैं इन्हें हमें फ़िट करने के लिए एक होल्डर की ज़रूरत होगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह का लाइट होल्डर आता है, as you can see here, ये हमारा लाइट होल्डर है। और इसको हम थोड़ा सा लूजन अप करते हैं, तो इस तरह से इसे हम मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आप एक होल देख रहे होंगे, यहाँ पर आप अम्ब्रेला को फिट करेंगे, यहाँ पर सेट करेंगे। और इससे फिर हम यहाँ एक और आपको जो होल दिख रहा है, यहाँ पर हम इसे लाइट स्टैंड के ऊपर प्लेस करेंगे। तो अब इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ इससे ही काम नहीं बनने वाला है, ये है आपका E27 सॉकेट। और जो हमारे लाइट LED लाइट्स या बल्ब्स हम यूज़ करते हैं वो B22 होते हैं, तो यहाँ पर हमको एक अडैप्टर की ज़रूरत होगी। तो आई शो यू, ये हमारा E27 टू B22 अडैप्टर। और इसको हमें क्या करना है, ये जो हमारा होल्डर है, लाइट होल्डर है, सॉकेट है, तो इस तरह से हम इसमें इसको लगा लेंगे। और फिर यहाँ पर हम जो भी LED लाइट या जो भी लाइट यूज़ कर रहे हैं उसको यहाँ पर लगाएंगे। और लाइट आपके घर में ऑलरेडी होगी, आप कोई भी बल्ब या LED लाइट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लाइट होल्डर है अकेला, ये जो मैंने लिया है, ये मैंने सिंगल लिया है और दूसरा मैंने लिया है एक पेयर वाला। तो सिंगल जो मैंने लिया है इसका प्राइस मुझे पड़ा है 349। और ये जो अकेला हमने अडैप्टर लिया है ना, इसका भी पेयर लिया है मैंने, तो इसका जो प्राइस है वो 159 में दो मिले हैं मुझे। तो ये इसका प्राइस है। तो अब हम बात कर लेते हैं लाइट स्टैंड की। तो यहाँ मैंने ये डिजिटेक के लिए हैं दो लाइट स्टैंड। तो ये है हमारा लाइट स्टैंड, और आप इसका टॉप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का टॉप यहाँ पर आता है। तो ये हम इसको इस तरह से ओपन अप करेंगे, और फिर ये जो बाकी चीज़ें हैं ये मैं आपको लगा के बताती हूँ। So let us turn this on. तो अब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाइट यहाँ पर डिफ्यूज़ होकर आ रहा है। अभी मैंने ऊपर ट्यूबलाइट एक ऑन रखी थी, उसको भी ऑफ कर दिया है। अब सिर्फ मेरा ये अम्ब्रेला डिफ्यूज़र है, लेट मी शो यू। तो ये इसकी जो लाइट है कुछ इस तरह से पड़ रही है। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ एक अम्ब्रेला यहाँ पर लगाया हुआ है। अगर मैं दोनों साइड इसी तरीके से सेटअप कर लेती हूँ तो इवनली जो लाइट है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर मेरे फेस पर आएगी। और यहाँ पर मैंने एक अम्ब्रेला डिफ्यूज़र यूज़ किया है, राइट साइड में जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो सब मिला के अगर आप सभी का एक एक सेट ले रहे हैं तो ये आपको 1200 से लेके 1500 के बीच पड़ जाएगा। अब एक और चीज़, ऑनलाइन मैंने ये सारी चीज़ें खरीदी तो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव मिला। यही चीज़ अगर आप लोकल मार्केट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको हो सकता है ये बहुत कम प्राइस में मिल जाए।
तो फिर भी अगर आपको इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, चॉइस आपका है, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो आप जो लोकल मार्केट है वहाँ जाकर सर्च कर सकते हैं और फिर इन सब चीज़ों को ले सकते हैं, और हो सकता है आपको विद इन 1000 भी ये सारी चीज़ें मिल जाएँ। तो ये था हमारा लाइटिंग का सेटअप। अब इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, लाइटिंग तो आप ले लेंगे, सब चीज़ें आप ले लेंगे, बट जब आप वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं और अगर आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी किस तरह से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फोकस कैसे सेट कर रहे हैं, एक्सपोजर कैसे सेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। और फिक्र करने की बात नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में जो कि ओपन कैमरा ऐप के ऊपर है, जहाँ पर मैंने आपको पूरी सेटिंग्स बताई हैं किस तरह से आपको बेसिक सेटिंग्स करना है जिससे कि जो आपका ओवरऑल वीडियो है वो अच्छे से बन सके। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर यू गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी तक जैसे कि आप देख सकते हैं सिर्फ मैं एक डिफ्यूज़र लाइट यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ और दूसरी साइड मेरा जो नॉर्मल ट्यूब लाइट है, रूम लाइट है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको लेफ़्ट साइड में रखा है, और इफ़ आई एम नॉट यूजिंग अदर लाइट, यदि मैं ये रूम लाइट यूज़ नहीं कर रही हूँ तो मैं इस लाइट को जस्ट पीछे रखूँगी अपने कैमरे के, जिससे कि प्रॉपर लाइट वो सिर्फ मेरे ऊपर फोकस हो। तो इफ़ यू वांट आप एक लाइट लेकर देखिए, अगर उससे आपका जो लाइट का प्रॉब्लम है सॉल्व होता है देन आप एक ही लाइट से काम चलाइए, दो की ज़रूरत नहीं है। एक बेसिक सेटअप के लिए वन लाइट इज़ सफिशिएंट, और जो रूम लाइट है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बजट रेंज में जो लाइट का सेटअप है वो आप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, वैसे आपने कर लिया होगा। और इसके अलावा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, रेलेवेंट हो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।